भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञातनिरन्धस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सहगजानं सहगणाः रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणाः ललिता श्रीशाकान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त पाराक्रान्त नमस्तुते। तपत काञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवि प्रणामे हरिप्रिये। वञ्चाकल्पतरो यश्च कृपासिन्धुरेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 सभी का जन्माष्टमी महामहोत्सव में स्वागत है। शुरू करने से पहले मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो पहली बार कोई इस्कॉन के कार्यक्रम में आए हैं, त्योहार में आए, हाथ ऊपर कर सकते हैं? पहली बार। और कितने ऐसे लोग हैं यहाँ पे जो लगातार हर हफ्ता आते हैं रेगुलरली कोई ना कोई प्रोग्राम में इधर उधर इधर भी? नो आई नो माई क्राउड। मैं कभी कभी ऐसा अलग अलग जगह पे मैं लेक्चर देता हूँ, समझ में नहीं आता है कि सामने कौन बैठा है। तो कभी मैं कुछ बोल लेता हूँ, उसके बाद में पता चलता है कि उनको समझ में नहीं आया मैं क्या बोला, तो पहले ही पूछना अच्छा है। आज हम कृष्ण जन्माष्टमी का महामहोत्सव मना रहे हैं। बताया जाता है कि भगवान कृष्ण हर दिन किधर का किधर उनका जन्म होता है। अभी इसी समय भगवान कृष्ण का जन्म किधर ना किधर हो रहा है। तो आप लोगों में से कई लोग सोचते होंगे जन्माष्टमी तो हो गया पिछले हफ्ते, अभी तक क्यों कर रहे हैं लोग जन्माष्टमी? हम लोग गोवा में 18 जन्माष्टमी हो रहा है, मतलब एक पूरा हफ्ता जन्माष्टमी चलता रहता, अगला हफ्ता भी चलता रहेगा जन्माष्टमी। तो लोग सोचते हैं चल क्या रहा है, इन लोगों को प्रॉब्लम क्या है, हर दिन जन्माष्टमी होना, ऐसे मना सकते हैं क्या, ऐसे सोचते लोग। उसका आंसर यह है कि किधर में किधर कोई न कोई ब्रह्मांड में जन्माष्टमी अभी चल रहा है, एक्चुअली अभी कृष्ण का जन्म हो रहा है। तो इसलिए अभी जन्माष्टमी मना रहे तो ये दुनिया का जन्माष्टमी नहीं है, ये कोई और ब्रह्मांड का जन्माष्टमी अभी मना रहे हम लोग, तो मतलब हर दिन हम मना सकते हैं, कहने की बात यह है। तो जन्माष्टमी इस त्योहार के पीछे विचार क्या है, सोच क्या है, कहानी क्या है, वो हम सुनेंगे। जैसे हम कहते हैं कि कोई भी त्योहार के पीछे एक उद्देश्य होता है, एक त्योहार बाह्य रूप त्योहार होता है, अभिषेक हो जाता है या पुष्प अभिषेक होता है, फीस्ट होता है, अलग अलग चीज होती है, लेकिन उसके पीछे एक अंदरूनी कारण है। तो आज हम वो अंदरूनी कारण के बारे में चर्चा करेंगे और उसको समझने की प्रयास करेंगे और कैसे वो जो अंदरूनी कारण है भगवान कृष्ण की जन्म का, वो हमारे भक्तिमय जीवन से संबंध रखता है, उसके बारे में हम लोग एक चर्चा करेंगे।
5000 साल पूर्व वसुदेव और देवकी का विवाह हुआ था। वसुदेव और देवकी जो थे बहुत बड़े साम्राज्य के राजकुमार और राजकुमारी थे, और विवाह होने के बाद कंस जो देवकी के भाई थे वो रथ को चला के वसुदेव देवकी को अपने घर लेके जा रहे थे। तो उस समय का ऐसा विधान रिवाज था कि जो भाई है अगर बहन से बहुत प्रेम करता है तो उसका रथ खुद चला के लेके जाता है। तो आप सोचिए, कोई व्यक्ति, कोई भाई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बिलियनर है, बहुत बड़ा धनी व्यक्ति है, बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है, वो क्या ड्राइवर बनेगा किसी का, अपनी बहन का भी? ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि भाई खुद रथ चला रहा है। तो कंस इतना प्रेम करते थे देवकी से तो कि वो खुद रथ चलाने लगे देवकी का। और जब रथ मथुरा की गलियों से गुजर रहा था, पूरा मथुरा वहां पे खड़ा था, सबके सब आ गए थे और सब वसुदेव देवकी का जय जयकार कर रहे थे, उनका उनको अभिनंदन दे रहे थे। यहां से हमारी कहानी की शुरुआत होती है। साधारण मूवीज या बुक्स पढ़ोगे जहां पे प्रेम की कहानियां हैं, इनकी ये सब प्रारंभ जो प्रेम की कहानियां है उसका अंत जो है शादी में होता है। मतलब पूरा कहानी चलता है, बहुत सारा समस्या हो जाती है और अंत में ये शादी हो जाता है, पति पत्नी बन जाते हैं और उसके बाद एक सेंटेंस आता है, दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। लेकिन क्या वो हकीकत है? शादी के बाद ही सारा प्रॉब्लम शुरू होता है ना जीवन में, है कि नहीं? तो यहां पे भी भागवत में यही कहानी है। तो इसलिए वो जो पहले प्रेम वाला जो चीज है उसको फास्ट फॉरवर्ड करके सीधा शादी पे लेकर आ जाते हैं, क्योंकि समस्या अभी शुरू होने वाली है ना। भागवत जो है हमें हकीकत बताता है, जो मूवीज है, बुक्स वगैरह है, वो हमको घुमाते हैं, हकीकत पे लेके नहीं आते। भागवत की शुरुआत जो है हकीकत से होती है, विवाह हो गया और उसके बाद जो है कंस वसुदेव देवकी को रथ पे लेके जा रहा है। जब लेके जाता है, बहुत बड़ा आकाशवाणी होता है और वो बहुत बड़ा आकाशवाणी इतना सबके सामने खुला खुला, ऐसे नहीं कि कंस के कान में बोल रहे, सबको सुनाया जाए, सबको मथुरा में सुनाई दिया वो आकाशवाणी। क्या था वो आकाशवाणी? वो आकाशवाणी ये था कि हे कंस, तुम इतने बड़े मूर्ख हो, तुम देवकी के रथ चला रहे हो, तुमको ये मालूम नहीं देवकी का आठवां गर्भ तुम्हारा तारणहार होगा, तुम्हें मार देगा। तभी हम सोच सकते हैं कि ये आकाशवाणी हुआ क्यों? क्योंकि जब तक एक ऐसा घटना क्यों हो जाए कि आपका खुद का स्वार्थ हिल जाए, तब तक व्यक्ति जो है एक्टिंग करने में बहुत निपुण होता है। मतलब हर व्यक्ति जो है अच्छा बनने का अच्छा एक्टिंग कर सकता है, लेकिन जैसे ही एक ऐसा वातावरण हो जहां पे उसको एकदम हिला देते हैं, तब जो है व्यक्ति वो असली में क्या है वो समझ में आता है। कंस जो था अभी तक बहुत ही अच्छा व्यक्ति था, रथ चला रहे बहन का और बहुत अच्छा भाई है, बहुत अच्छा राजकुमार है और ऐसा लग रहा है कि कंस तो एकदम बढ़िया व्यक्ति है। लेकिन जैसे ही आकाशवाणी हुआ, कंस का जो चेहरा ही बदल गया, कंस का व्यक्तित्व ही बदल गया। वो तो खड़ा हो गया रथ पे, तलवार निकाल लिया और सीधा देवकी को गला पकड़ लिया और उसका गला काटने वाला। आप सोचिए, एक क्षण में इतना ट्रांसफॉर्मेशन, एक क्षण से पहले हीरो और एक क्षण के बाद विलन, मतलब ऐसा हो सकता है क्या? एक क्षण में हीरो और रोहित, अगले क्षण में विलन, इससे बढ़िया क्या हो सकता है? सोचिए। और ये हकीकत भी है हमारे जीवन में, हम देखते हैं जो हीरो है वो ही विलन बनता है ना। जिसको हम बोलते हैं अरे ये तो बहुत अच्छा व्यक्ति है, लेकिन उसके स्वार्थ को जब हानि पहुंचता है
वही व्यक्ति जो इतना अच्छा व्यक्ति है वो इतना बुरा व्यक्ति बन जाता है कि नहीं। हम सब लोगों ने अपने अपने जीवन में अनुभव किया रहेगा। तो जब हम कंस ने देवकी का गला पकड़ लिया और देवकी का गला काटने ही वाला था तो वसुदेव वहां पे खड़े थे रथ पे, तो वो हिल गए। अभी अभी उनका दाम्पत्य जीवन शुरू हुआ था, शादी का जीवन शुरू में नहीं हुआ था, शुरू होते ही इतना बड़ा खतरा, और उनकी पत्नी अभी एक क्षण में मरने ही वाली है। तो वसुदेव थोड़े से डर गए, लेकिन बाहर से वो मुस्कुरा रहे थे और कंस से बात करने लगे। अभी यहां पर देखे कंस जो है उसके जीवन में एक बड़ा समस्या आ गया है ना, और वसुदेव के जीवन में भी बहुत बड़ा समस्या आ गया। कंस का समस्या कब का है? 8 साल बाद का, 8वां घर मतलब एटलीस्ट मिनिमम 8 साल है ना। तो लेकिन 8 साल बाद वाला प्रॉब्लम के लिए अभी टेंशन हो रहे हो, मतलब जो प्रॉब्लम 8 साल के बाद आने वाला है उसके बारे में अभी सोचेंगे तो क्या फायदा, 8 साल आपका व्यर्थ हो जाएगा ना। लेकिन वसुदेव का प्रॉब्लम अभी का है क्योंकि उनकी पत्नी अभी मरने वाली है। लेकिन ये देखिए दोनों में अंतर कितना है। कंस जो है 8 साल के बाद आने वाला प्रॉब्लम जो इतना भोगला जाता है, इतना डर जाता है, लेकिन वसुदेव अभी सामने प्रॉब्लम है फिर भी स्माइल कर रहे। ये है भक्त और अभक्त में बीच का अंतर। ऐसा नहीं कि अभक्त के जीवन में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, भक्त के जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं है। भक्तों के जीवन में भी प्रॉब्लम आता है, लेकिन भक्त जब प्रॉब्लम आते हैं, समस्या आती है, फिर भी वो मुस्कुराना बंद नहीं करते, क्योंकि उनको उनको मालूम है पीछे भगवान का हाथ है, पीछे भगवान है हमारे साथ। वो जो कॉन्फिडेंस है ना आदमी को मुस्कुराता है, वो कॉन्फिडेंस की वजह से आदमी मुस्कुरा पाता है। तो वसुदेव जी कंस से बात करने लगे और कंस को पहले कंस को बहुत प्रशंसा किया और कंस के शक्ति के बारे में, उसके यश के बारे में, उसकी उन्नति के बारे में बहुत कुछ अच्छा बोलने लगे। वसुदेव को मालूम था एक राक्षस से बात करना है, एक राक्षसी प्रवृत्ति वाले आदमी से बात करना है, पहला चीज क्या करना है उसकी गुणगान करो। कोई आप बड़े व्यक्ति के पास जा रहे हो, बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति के पास जा रहे हो और उनसे कुछ को कुछ भी काम कराना है, पहले उनका गुणगान करो, उसमें हकीकत हो या ना हो उसमें गुणगान करो, उसके बाद वो सुनने लगेगा। जब तक आप उसकी अहंकार को थोड़ा सा चढ़ाएंगे नहीं वो सुनने वाला नहीं है, आप चाहे कितना भी बोल लो। वसुदेव को बराबर मालूम था ये बहुत ही घमंडी व्यक्ति है, बहुत ही अहंकारी व्यक्ति, इसको कुछ भी बताना है तो पहले इसके अहंकार को थोड़ा सा हवा का धोखा देना पड़ेगा। जैसे ही ये कहा तो कंस थोड़े से रुक गए, उनका थोड़ा गुस्सा थोड़ा शांत हो गया। उसके बाद वसुदेव उनसे बात करने लगे, उनको कहा ये कंस आप इतने शक्तिशाली व्यक्ति हो, आपको एक स्त्री से क्यों डर लग रहा है, और जो अभी शिशु पैदा भी नहीं हुए उनसे क्यों आप डर रहे हो। और बोलने लगे वसुदेव जो है कंस को फिलोसफी बोलने लगे, गीता बोलने लगे। वो बोलने लगे कि हम सब जो है एक ना एक दिन मरने वाले ही है, मृत्यु से क्यों डरना, जब जिसके पास शरीर है उसको तो मृत्यु आना ही है एक ना एक दिन। लेकिन आप अपने अंदर जो आत्मा है उसके ऊपर ध्यान दो, आत्मा का कभी मृत्यु नहीं होता, आत्मा अमर रहता। वसुदेव जो है कंस को ये सब बताने लगे, क्या ज्ञान दे रहे, गीता का ही उपदेश दे रहे है ना, कृष्ण के बाप है तो कृष्ण से पहले गीता किसने सुनाया, उनके पिताजी ने सुनाया, और वो भी रथ पे, वो ये भी रथ पे खड़े थे और कृष्ण भी रथ पे खड़े थे, तो कृष्ण को गीता की वजह से मिला, अपने पिताजी से मिला ज्ञान। लेकिन फर्क इतना है कृष्ण ने गीता अर्जुन को समझाया और वसुदेव ने गीता कंस को समझाया, अर्जुन समझ गया कंस बिल्कुल समझा नहीं, क्योंकि गीता को समझने के लिए एक पात्रत्व होना चाहिए, उसको समझने के लिए, वो ज्ञान को समझने के लिए एक प्रकार का एक स्वभाव होना चाहिए। और इतना नहीं, जो ज्ञान जो वसुदेव ने दिया कंस को ऐसे समय पे दिया जो उसके जीवन के लिए बहुत ही संकट वाला समय है, बहुत ही कंफ्यूजिंग समय है, उस समय पे ज्ञान दिया गीता का। और यहां पे
कृष्ण भी अर्जुन को वही समय पर गीता का ज्ञान देते हैं जब उसके जीवन में सबसे बड़ा संकट है, सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। मतलब क्या, जब आपके जीवन में कंफ्यूजन है, आपके जीवन में सबसे बड़ा संकट है, सबसे बड़ा चुनौती है, उस समय गीता पढ़ना चाहिए, क्योंकि गीता में हमारे सारे समस्याओं के समाधान है और हमें सही मार्ग, सही दिशा, सही डिसीजन लेने पे प्रेरणा मिलता है। तो कम उसको ज्ञान व्यान को समझ में आया, तो उसने समझ गया इसके उसको ध्यान देने का कोई मतलब नहीं है, इसको प्रैक्टिकल सुना रहा हूं कुछ। उसने वो ने कंस को कहा, देखो भाई तुम्हें प्रॉब्लम है आठवें गर्भ से, मैं आपको यह भी अभी आश्वासन दिलाता हूं कि हमारे जितने भी पुत्र होंगे, जितने भी बच्चे जन्म लेंगे, मैं आपको एक एक करके आपको दे दूंगा, आप जो करना है करोगे सर। तो जैसे उस कंस ने यह सुना, कंस थोड़ा शांत हो गया, क्योंकि कंस को मालूम था कि वसुदेव ने एक बात कह दिया तो वो जरूर करेंगे। कंस को वसुदेव के शब्दों के ऊपर पूरा विश्वास था। एक भक्त जो है वो कुछ कहता है वो करता ही है। एक राक्षस को भी ये कन्विक्शन है भक्तों के वाक्यों पे। तब सोचिए कंस इतना बड़ा राक्षस है, उसको भी विश्वास हो गया कि वसुदेव ने कहा है तो मतलब इनके ऊपर विश्वास करना चाहिए। तो मतलब भक्त का रेपुटेशन देखो, भक्त का ऐसा रेपुटेशन है कि एक राक्षस भी उनके शब्दों के ऊपर मान लेगा। तो वसुदेव ने जब ऐसा कहा तो कंस ने उनको छोड़ दिया, तो वसुदेव देवगी चले गए अपने घर और कंस जो है वापस अपने महल चला गया। तो कुछ समय के बाद, एक साल के बाद करीबन, वसुदेव और देवकी ने एक पुत्र को जन्म दिया। तो वसुदेव देवकी जो है इस पुत्र को जन्म देते हैं, पहला पुत्र है उनका, उनका नाम रखते हैं कीर्तिमान। तो नाम तो रख दिया कीर्तिमान, लेकिन उनकी कीर्तनी कीर्ति जो है ज्यादा देर टिकने वाली नहीं है, है ना, बहुत ही कम आयु के उम्र था उनका। तो वसुदेव जैसे ही बच्चा जन्म लिया, देवकी उनको दूध पिला रही है, वसुदेव जो है उनसे खींच लेते बच्चे को, तो लेके जाना है कंस के पास। देवकी बोल रही है, देवकी रोने लगती है, अभी पहला संतान है, अभी अभी पैदा हुआ है, उसे लेके जा रहे जबरदस्ती। तो देवकी का हृदय टूट जाता है, वो इतना रोती है, तो रोज वसुदेव को बोल रही है इस छोटे से बच्चे से क्या बनना है, क्या कर लेगा बच्चा, लेकिन वसुदेव कुछ सुनते नहीं है, वो लेके जाते हैं कंस के पास और कंस के हाथ में इस छोटे से शिशु को रख देते हैं और बोलते हैं ये आपका भांजा है, इसका नाम है कीर्तिमान। तो कंस एक क्षण के लिए उस शिशु को देखता है, उसका हृदय बदल जाता है। राक्षस क्यों ना हो, आखिर मामा तो है ना, थोड़ा सा उसका हृदय बदलता है। तो थोड़े समय के बाद सोचता है, बोलता है ठीक है इस बच्चे को ले जाओ, इससे मुझे कोई डर नहीं है, आठवां गर्भ जब बच्चा पैदा होगा उसको लेके आ जाओ। तो वसुदेव जी बहुत खुश हो जाते हैं, बच्चे को उठा लेते हैं, वापस घर जा रहे हैं। लेकिन वसुदेव को मालूम है इनके शब्दों के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। अभी आप देखिए, वसुदेव के शब्दों के ऊपर कंस को पूरा विश्वास था, लेकिन कंस के शब्दों के ऊपर वसुदेव को बहुत डाउट था। अब भी बोल रहा है लेके जाओ, लेकिन ये कभी भी पलट सकता है। अभक्त के शब्दों पे जो विषयी है उनके शब्दों पे विश्वास करना बहुत डेंजरस है, करना ही नहीं चाहिए उल्टा। तो वसुदेव वापस चले जाते हैं, देवकी बहुत खुश हो जाती है अपने पुत्र को वापस पाते हुए, और वसुदेव देवकी जो है आनंद से थोड़ा समय बिताते हैं। इतने में नारद मुनि मथुरा आ जाते हैं। तो अभी बहुत लोग सोचते हैं नारद मुनि हर जगह जाके चुगली क्यों करते हैं। तो कहने का ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, नारद मुनि जहां पे भी आते हैं वो भगवान की इच्छा से ही आते हैं, वो भगवान की इच्छा के बिना नहीं आते, वो बहुत बड़े महान भक्त है। और नारद मुनि क्यों यहां पे आए इस समय पे, क्योंकि वो चाहते थे कि कृष्ण का जो अवतरण है वो शीघ्र हो, तो जल्दी से जल्दी हो। कोई भी व्यक्ति जो पाप करता है
कभी कभी हमको लगता है कि ये व्यक्ति इतना पाप कर रहा है फिर भी इसको कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलता, उल्टा जो आज की तारीख में राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं, है ना, ज्यादा जनधनित हो रहे हैं, और जो अच्छा कार्य करते हैं वो डूब रहे हैं, कितना लॉस हो रहा है उनका, ऐसा लगने लगता है। लेकिन बताया जाता है कि बाइबल में बताते हैं कि द मिल्स ऑफ गॉड ग्राइंड स्लो बट ग्राइंड एक्सीडिंगली फाइन, मतलब जैसे वो पत्थर मारते ना उसके साथ, क्या बोलते हैं उसको, कैटापल्ट बोलते हैं, वैसा रबर के साथ पत्थर मारते हैं ना, जो भी है पता नहीं उसका नाम क्या है, तो उसको जब लेके पीछे खींचते हैं ना, जितना ज्यादा पीछे खींचा उतना जोर से लगता है पत्थर, ऐसा इधर तक लेके डाल दिया तो पत्थर ज्यादा जोर से नहीं लगता, और पीछे खींचो बहुत ही तीव्रता से लगेगा पत्थर। वैसे ही जब व्यक्ति कोई गलत कार्य कर रहा है उसको तुरंत कोई पीड़ा नहीं होती, कोई दर्द नहीं होता, बस समझ जाने का कि रबर जो है पीछे खींच रहा है, बहुत साल हो गए कुछ भी नहीं हो रहा है तो मतलब समझ जाने का और रबर पीछे खींच रहा है, बहुत साल हो गए कुछ भी नहीं हो रहा है समझ जाने का रबर और भी पीछे खींच रहा है, लेकिन एक दिन ऐसा छूटेगा और इतना दर्दनाक लगेगा पत्थर जो है वो जीवन पर भूलेगा नहीं। तो यहां पे नारद मुनि क्या कर रहे हैं, ये थोड़ा प्रोसेस को जल्दी कर रहे हैं, बस इसके कंस की जो राक्षसी प्रवृत्ति है वो अंदर है उसको बस जगा रहे, क्यों, जब जगाएंगे तभी तो वो गलत करेगा, तभी तो ज्यादा उसको कृष्ण उसको मार पाएंगे। तो नारद मुनि कंस के पास आते हैं और बोलते हैं छोड़ दिया बच्चे को, उन्होंने कहा छोड़ दिया क्या, उससे क्या प्रॉब्लम है, आठवां पुत्र प्रॉब्लम है। तो नारद मुनि ने कहा अच्छा इतना कॉन्फिडेंट है, नारद मुनि कमल का फूल दिए उसको कंस को, वो कहे इस कमल के फूल में आठ पंखुड़ी है, आप बताओ पहला पंखुड़ी कौन सा है आठवां कौन सा है। तो कंस सोचने लगा रहे भाई बराबर है, अभी कमल के फूल में पहला कौन सा आठवां कौन सा कैसा पता चलेगा। तो नारद मुनि बोलते हैं भगवान है ना घुमाते हैं, बहुत घुमाते सबको घुमाते, तुमको भी घुमा रहे, ये नंबर के चक्कर में आपको बहुत घुमा रहे। तो कंस एकदम डर गया, तो कंस भाग कर गया सीधा उसी व्यक्ति को जेल में डाल दिया और उस छोटे से बच्चे को लेके दीवार के ऊपर भटका के मार दिया। एक के बाद एक हर साल देवकी वसुदेव ने पुत्र को जन्म दिया और हर साल छह साल लगातार कंस इन पुत्रों को मारता रहा जन्म लेते ही। आप सोचते होंगे देवकी वसुदेव को मालूम है कंस बच्चे को मारने वाला ही है, तो ये बच्चे को जन्म क्यों देते, बच्चे को जन्म ही नहीं दिया तो प्रॉब्लम ही नहीं है, मारेगा ही नहीं, है ना। लेकिन वसुदेव देवकी हम जैसे सोचते नहीं है, वो थोड़ा अलग से सोचते हैं। वसुदेव देवकी ने क्या सुना, उन्होंने आकाशवाणी में ये सुना स्पष्ट कि आठवां गर्भ जो है कंस का कारण मर पड़ेगा, मतलब क्या, भगवान ये चाहते हैं कि इनके आठ पुत्र हो, बस उनको अभी ये फर्क नहीं पड़ता उन पुत्रों के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उनको ये फर्क नहीं पड़ता उनको कितना दर्द झेलना पड़ता है, उनको ये फर्क नहीं पड़ता कि उनके जीवन में कितने सारे समस्याएं पीड़ाएं आएंगी, बस उनको इतना ही मालूम है भगवान ये चाहते हैं हम करेंगे बस। ये है भक्त का विचार, ये है भक्त का सोच। भक्त जो है हमेशा वही करते हैं जो भगवान उनसे चाहते हैं। तो वसुदेव देवकी को यह मालूम था कि भगवान यही चाहते हैं, तो उनका पूरा जो ध्यान था भगवान की इच्छाओं को पूर्ण करने में जा रहा था। तो वसुदेव देवकी ने छह पुत्रों को एक के बाद एक खो दिया और अंत में सातवां पुत्र जो है उनके देवकी के गर्भ में आ गया था। कुछ महीने बीत गए, एक दिन जो सातवां पुत्र था देवकी के गर्भ में, वो पुत्र जो है देवकी के गर्भ से सीधा रोहिणी के गर्भ में पहुंच गया। तो ब्लूटूथ ट्रांसफर बोल सकते हैं, वूम टू वूम ट्रांसफर, एक जगह से दूसरा जगह सीधा, वो मथुरा से वृंदावन
आप अभी मेरे को कुछ पूछिए मत, ये कौन सा टेक्नोलॉजी है, ये कौन सा सिस्टम है, ऐसे तो कभी हमने सुना ही नहीं, ऐसा हो सकता है, ये सब मेरे को पूछिए मत, बस ये हुआ। तो बहुत सारी चीजें आपको मालूम नहीं है ना, साइंस जो है एक चीजें डिस्कवर करता है कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। अभी ये टेक्नोलॉजी अभी तक आई नहीं दुनिया में, ये आउट ऑफ द वर्ल्ड टेक्नोलॉजी है, आएगा 100 साल के बाद शायद। तो रातों रात देवकी के गर्भ से बच्चा निकल गया। अब ये सारे कंस के जो सैनिक थे, कल तक तो उनको मालूम था पक्का देवकी के गर्भ में बच्चा है, अगले दिन देखते हैं कि एकदम नॉर्मल लग गई है। तो उनको समझ में आया कि क्या हुआ, रात को बच्चा था नहीं था, किसी को समझ नहीं आ रहा था। अंत में उन्होंने कंस को जाके बोल दिया, गर्भपात हो गया। अभी ये जो बच्चा था कोई साधारण बच्चा नहीं था, ये बलराम थे, संकर्षण भगवान के अनुयायी थे, भगवान के सबसे महान भक्त थे। तो ये देवकी के गर्भ में थे और उनके गर्भ से रोहिणी के गर्भ में शिफ्ट हो गए। तो बलराम जो है गुरु है, आदि गुरु है, और उनका कार्य ही भगवान आने से पहले वो उस जगह पे जाते हैं, निरीक्षण करते हैं। जैसे अगर हमने यहां पे इस जन्माष्टमी कार्यक्रम में एक बार 3 साल पहले हम लोग पुणे में NVCC करके एक मंदिर का उद्घाटन हुआ था, और उस मंदिर के उद्घाटन के लिए हम सब लोग गए, बहुत धूमधाम से उद्घाटन होने वाला था और हजारों लोग पहुंच गए NVCC। और उद्घाटन के समय थोड़े समय के लिए हम लोग कीर्तन वर्तन हो गया, उसके तुरंत बाद जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आने वाले थे उद्घाटन के लिए। क्या हालत हो गया उस NVCC के उद्घाटन का, हालत मतलब हालत खराब हो गया। वहां पे 10,000 लोग इकट्ठा हुए है, सबको भगाया, और वो भी 15-20 मिनट में हॉल खाली, 10,000 लोग है और वो भी इधर उधर किधर किधर से लोग आए थे। वो 1-2 घंटे कीर्तन के बाद सबको पकड़ निकल जाओ, क्यों, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आ रहा है और उसका Z+ सिक्योरिटी है। उस Z+ सिक्योरिटी का रूल ऐसा है कि वो आने से पहले पूरा निरीक्षण होता है, हर कोने का निरीक्षण होता है, उसके बाद ही प्रेसिडेंट आएगा। इसलिए कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी बड़े व्यक्ति आने से पहले निरीक्षण होता है जगह का। तो यहां पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ये तो प्रेसिडेंट ऑफ यूनिवर्स है ना, पूरे ब्रह्मांड के स्वामी है, कृष्ण आने वाले हैं। तो पहले कृष्ण आने से पहले बलराम जी आते हैं और जगत का नहीं देवकी के गर्भ का निरीक्षण होता है, क्या गर्भ सही है भगवान के अवतरण के लिए। तो पहले वो गर्भ में आते हैं, आप सोचिए कितना लेवल का निरीक्षण होता है। अभी कोई भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का निरीक्षण ऐसा हो सकता है क्या, गर्भ में जाके निरीक्षण करो, ठीक है क्या जगह। तो बलराम जी जब देखते हैं कि देवकी का गर्भ जो है सही है भगवान के अवतरण के लिए, उसके बाद वहां से निकल जाते हैं, अपने माता के गर्भ में पहुंच जाते हैं। यहां पे कंस को बहुत कंफ्यूजन होता है, कृष्ण आने से पहले ना कंफ्यूजन बहुत आता है आपके जीवन में। कृष्ण ऐसे ही है, कोई ऐसा नॉर्मल तरीके से नहीं आते, वो बहुत पहले बहुत कंफ्यूज करते हैं आपको, उसके बाद आपको क्लैरिटी देते हैं। कंस ने जैसे ही सुना कि गर्भपात हो गया, इसको भी समझ में नहीं आया कि गिनती कैसे करें। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 बराबर गिनती चल रहा था उसका, अभी 7 पर अटक गया। उसको समझ में आया कि 7 है कि इसको गिनना चाहिए कि नहीं गिनना चाहिए। फुल कंफ्यूजन शुरू हो गया कंस के जीवन में, जिस दिन से बलराम जी आए उस दिन से फुल कंफ्यूजन शुरू हो गया। तो कुछ समय के बाद पता चलता है कि वापस देवकी गर्भवती हो गई। तो कंस अभी बहुत ही चिंतित है कि ये 7वां पुत्र है कि इसका ये 8वां पुत्र है। तो 8वें पुत्र के लिए प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन अभी उसको समझ नहीं आ रहा था कि इससे डरना चाहिए कि नहीं डरना चाहिए। मुझे एक्स्ट्रा पोर्शन के लिए डर जाता है, तो चलो 7वें से डर शुरू हो जाता है उनका। और वो इतना डर जाता है, खासकर देवकी को देखने के बाद, जब वो कारागृह में जाता है और देवकी को देखता है
कि देवकी जो है बहुत ही प्रज्वलित है, बहुत ही तेजमयी बन जाती है। और देवकी का शरीर, देवकी का सौंदर्य देखने के बाद कम समझ जाता है इसके अंदर भगवान जरूर आ गए। भारत में बहुत लोगों के अंदर भगवान आ जाते हैं, है नहीं? और बहुत लोग जिनके अंदर भगवान आते हैं, कुछ लोग तो अजीब अजीब कार्य भी करने लगते हैं, है ना? लेकिन भक्तों के जीवन में जो भगवान आते हैं ना, एक तरीका है समझने का कि भगवान इसके जिसके जीवन में है। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण क्या है भगवान आ गए इस व्यक्ति किसी के जीवन में? वो बहुत ही खुश हो जाता है, बहुत आनंदित हो जाता है अंदर से। मैं कुछ समय पहले कह रहा था, हमारे एक भक्त थे जो गल्फ कंट्री में जा रहे थे, कोई काम के लिए जा रहे थे, और वो धोती कुर्ताना नहीं थे, तिलक विलक पहने नहीं थे, कंठी माला कुछ नहीं, तो साधारण कपड़े पहन के जा रहे थे अपने काम से। उनको जो कस्टम ऑफिसर ने उनको रोक दिया, तो उनको बोला आपके लगेज का निरीक्षण करना, तो पूरा सब कुछ खोल के निरीक्षण किया, तो उसके बाद बोला छाओ आप जाओ, तो पेटी बंद करके निकल गए। एक आधे घंटे के बाद वापस उनको पकड़ा, बोला आप वापस हमको निरीक्षण करना है, कुछ डाउट आ रहा है, तो सब कुछ खोल के वापस देखा दूसरी बार। तो ये भक्त बोलने लगे, अरे भाई क्या हो गया, मुझे वापस वापस क्यों निरीक्षण कर रहे हो? तो इन लोगों ने कहा, कस्टम ऑफिसर ने कहा उनको, हमने आपको ऑब्जर्व किया है, आप बहुत ज्यादा ही खुश दिख रहे हो, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है हमें। मतलब आप सोचो आज की तारीख में आदमी खुश है तो कोई प्रॉब्लम है गुरु को? इनको मालूम नहीं था ये भक्ति कर रहे हैं, माना वाला कर रहे हैं, उनको कुछ मालूम नहीं था, बस चेहरा देखा हो रहे बहुत खुश है आदमी। तो मतलब अभक्तों को भी समझ में आ जाता है कि कोई भक्ति कर रहा है कि आदमी बहुत खुश रहता है जीवन में। तो अगर आप लोगों को भी खुश रहना है जीवन में, माला करना शुरू कर दीजिए, भक्ति करना शुरू कर दीजिए, आपके हृदय में जैसे भगवान आएंगे तुरंत आप आनंद का जीवन जिएंगे। तो भगवान कंस को पता चल जाएगा, चल गया कि देवकी के घर में आपका पुत्र जन्म ले चुका है। तो कंस जो है इतने डर जाते हैं, रात को उसको नींद नहीं आता। और एक दिन वो आईना देख रहा है, जब अपने आप को आईने में देख रहा है, शरीर पूरा है, सर गायब। आप सोचो एक दिन आप आईने में देखोगे अपने आप को, शरीर गायब है, तो हम सूत्रा डर जाते हो गया, मेरा सर निकल गया। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के उसको दृश्य दिखने लगते हैं, उसके बिस्तर पे सांप घूम रहे हैं, इतना डर जाता है कम से उसको समझ में क्या करे। और धीरे 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 जो है देवकी और भी तेजमयी और भी प्रज्वलित होने लगती है, और पूरा कारागृह जो है बहुत ही भव्य वातावरण मिल जाता है। ऐसा बताया जाता है कि देवकी और वसुदेव जो है उस कारागृह में अलग अलग प्रकार के आवाजें सुनते हैं, ऐसा लगता है कि कोई कोई तो है यहाँ पे। और बताया जाता है कि सारे जो देवतागण जो थे वो अदृश्य रूप में आके भगवान का स्तुति कर रहे थे, भगवान का आराधना कर रहे थे गर्भ में। इसको भागवत में गर्भ स्तुति कहा जाता है। तो सारे देवतागण ब्रह्मा विष्णु ब्रह्मा इंद्र वगैरह सारे देवता जो है एक एक करके आने लगे, और इस छोटे से बच्चे को बच्चे से प्रार्थनाएं अर्पण करने लगे। 8 महीने बीत गए। साधारण बच्चे जो है साधारण तरीके से जन्म देते हैं, लेकिन कृष्ण जो है भगवान है वो हमेशा असाधारण तरीके से जन्म लेते हैं। तो कृष्ण 8 महीने ही नहीं जन्म ले लेते हैं। हम देखते हैं भगवान राम जब जन्म लिए है तो 12 महीने हम तक गर्भ में थे। आप सोचिए 12 महीने कोई बच्चा जन्म गर्भ में रह सकता है? राम थे 12 महीने 12 months, और यहां पे कृष्ण 8 महीने में पैदा हो गए। कृष्ण थोड़ा ज्यादा ही एक्साइटेड थे, नहीं बोल बाद में श्लोका बोल देना, ये लोग थोड़ा गर्भ स्तुति करने लगे, ऐसे प्रार्थना करने लगे, ये लोग शुरू हो गए। तो कृष्ण 8वें महीने में जन्म ले लिए। बताया जाता है कि
भगवान पहले वसुदेव के हृदय में आए और वसुदेव के हृदय से देवकी के हृदय में चले गए और देवकी के हृदय से उनके गर्भ में पहुंच गए। ये जो प्रोसेस है ये इसको दीक्षा कहते हैं। गुरु वसुदेव जो है एक गुरु के समान है और देवकी जो है एक शिष्य के समान है। और बताया जाता है कि गुरु जो है उनके हृदय में भगवान निवास करते हैं क्योंकि वो इतना भक्ति करते हैं, इतना भगवान से प्रेम करते हैं, तो भगवान गुरु के हृदय में निवास करते हैं और गुरु के हृदय से एक शिष्य के हृदय में भगवान जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, गुरु अपने हृदय से भगवान को आपके हृदय में देते हैं, उस प्रोसेस को हम दीक्षा बोलते हैं। तो जब गुरु से दीक्षा मिलती है तो ऐसा बताता है कि गुरु अपने हृदय का जो प्रेम है भगवान का वो आपको अर्पण कर रहे हैं। वो फॉर्मल प्रोसेस ऑफ इनिशिएशन है। तो इस तरीके से वसुदेव ने देवकी को कृष्ण दिया और कृष्ण जो है देवकी के गर्भ में पहुंच गए और जिस दिन कृष्ण को जन्म लेना था वो दिन कृष्ण ने चुना। हम लोग अपना बर्थडे का दिन चुनते नहीं है ना, कोई ऐसा है जो चुन के आया बर्थडे? हम लोग जब पैदा होते हैं बाय मिस्टेक ही पैदा होते हैं, कहीं से तो पहुंच गए। और जब बच्चा जन्म लेता है आंख खोल के देखता है उसको बड़ा धक्का लग जाता है। खासकर भारत में जन्म लिया तो बहुत सारे लोगों को धक्का लगता है, अरे वापस में इंडिया में आ गया, अभी वापस ग्रीन कार्ड लगाना पड़ेगा, अभी आजकल अमेरिका में ग्रीन कार्ड बंद कर दिया लोगों ने। तो कुछ लोग अपने आप को बहुत ही बदकिस्मत समझते हैं कि वापस भारत में जन्म ले लिया, क्योंकि हमारे हाथ में तो कंट्रोल नहीं है कहां पे जन्म लेना है ना। लेकिन भगवान के हाथ में कंट्रोल है, किस माता पिता से जन्म लेना चाहेंगे, किस दिन जन्म लेना चाहेंगे, किस जगह पे जन्म लेना चाहेंगे, सब उनकी निरीक्षण में है। मैं बहुत सारे माता पिता को जानता हूं जो प्लानिंग करते हैं और इतना प्लानिंग करते हैं कि बच्चा जन्माष्टमी के दिन जन्म लेगा, ऑपरेशन थिएटर भी बुक करके रख देते हैं, हाँ पहले से प्लान। लेकिन आज के तारीख तक मैंने एक भी ऐसा केस नहीं सुना जो प्लान करने के मुताबिक बच्चे ने जन्म लिया। हमेशा उल्टा ही होता है, कुछ और ही होता है, मतलब जो उसकी कुंडली में लिखा है वही होता है ना, हम कोई भी प्लान कर सकते हैं। जन्म और मृत्यु ये दोनों चीज ना कोई प्लान नहीं कर सकता, बीच में बहुत कुछ प्लान कर सकते हो, लेकिन ये दो जो चीज है आपके जीवन में वो प्लान से नहीं होता, वो अकस्मात हो जाता है आपके कर्म के हिसाब से। तो जब भगवान जन्म लेते हैं बताया जाता है कि देवकी के गर्भ से बाहर तुरंत निकल जाते हैं। और ऐसा नहीं कि भगवान को ये सब लेबर पेन और बहुत दर्द से गुजरना पड़ा, ऐसा कुछ नहीं, बस अंदर थे फटनली बाहर आ गए। और जब भगवान बाहर आए उनके चार हाथ थे, चतुर्भुज रूप था और उनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म था और उनके सर पे बहुत ही सुंदर गुंगराले बाल थे, उनके शरीर में आभूषण और वस्त्र पहने हुए थे। अभी तक कोई बच्चा देखा आपने कपड़ा पहन के बाहर है जीन्स पैंट टी शर्ट के साथ बाल के साथ बच्चा पैदा हुआ? सब तकले ही पैदा होते हैं और सब नंगे ही पैदा होते हैं ना। तो यहाँ पे भगवान जो है पूरे आभूषण के साथ पैदा हुए और पैदा होने के बाद जो है वसुदेव देवकी उनकी स्तुति करते हैं, बहुत सुंदर प्रार्थनाएं करते हैं और देवकी भगवान को बोलते हैं, बोलती है कि आप प्लीज अपना जो चार हाथ है उसको छुपा दीजिए और साधारण बच्चे जैसे बन जाइए। और भगवान वो उनके जो ऐश्वर्य है उसको छुपा देते हैं और एक साधारण शिशु बन जाते हैं। और साधारण शिशु बनते ही वसुदेव को बताते हैं भगवान कि आप मुझे यहां से वृंदावन लेके जाइए। अभी जन्म हुआ सीधा इंस्ट्रक्शन शुरू। आजकल के बच्चे ऐसा हो गए हैं, माता पिता को इंस्ट्रक्शन बोल देते हैं। तो यहां पे वर्णन आता है कि ये जो प्रोसेस है कृष्ण के जन्म का एक प्रकार का हमारे जीवन में भक्ति का वही प्रोसेस है। कृष्ण के जन्म से पहले छह बच्चों को एक एक करके उनकी हत्या हुई। ये छह बच्चे हैं हमारे हृदय में छह अनर्थों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे हृदय में छह दुर्गुण हैं, काम क्रोध मद
ईर्ष्या, ऐसा बहुत सारे दुर्गुण हमारे हृदय में है। उन दुर्गुणों को जब हम मिटाएंगे तब हम तैयार होते हैं कृष्ण को अपने जीवन में स्वागत करने के लिए। तो बताया जाता है कि देवकी कम से डरी हुई होती है। उसी तरह एक भक्त को भौतिक संसार से, भौतिक सुखों से डरना चाहिए, और उस डर के वजह से ये जो छह दुर्गुण है वो एक एक करके हमारे जीवन से निकलते हैं। काम, क्रोध, लोभ, ये सब एक एक करके निकलते हैं, और सारे जो वासनाएं हैं निकल गए हैं, तब गुरु हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं। और गुरु जो है हमें भगवान को हमारे जीवन में लेकर आते हैं। उसके बाद गुरु के प्रवेश के बाद जो है भगवान हमारे जीवन में आते हैं। ये प्रोसेस जो है, ऐसा हमको लगता है कि ये क्या कहानी है, लेकिन ये कहानी साधारण कहानी नहीं है, ये हमारे जीवन की कहानी है। तो इसलिए कोई भी कहानी पुराणों में, इतिहासों में जो भी कहानी लिखा गया है उनको आप साधारण मत समझिए। ये सारे कहानियां जो है सिंबॉलिक है, इतिहास भी है, उसके साथ साथ हमारे आज की तारीख के जीवन के लिए भी लागू है। तो इस प्रकार से कृष्ण का जन्म होता है, और कृष्ण वसुदेव को कहते हैं आप मुझे मथुरा से वृंदावन लेके जाइए। तो वसुदेव कृष्ण को कहते हैं मेरे हाथों बंधे हुए हैं, मेरे पैर भी बंधे हुए हैं, तो मैं कैसे ले जाऊं। कृष्ण कहते हैं आप उठाइए मुझे। तो वसुदेव कृष्ण को उठाते हैं। जैसे ही वसुदेव कृष्ण को उठाते हैं, कृष्ण स्पर्श मात्र से वसुदेव के हाथ की जो चेन है वो टूट जाते हैं, उनके पैर में जो जकड़ है वो निकल जाता है, दरवाजे खुल जाते हैं, और सारे जो वहां पे सैनिक सो रहे खड़े हैं वो सब सो जाते हैं, लेट जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं, और वसुदेव बहुत ही सरलता से जेल से बाहर निकल जाते हैं। कहा जाता है कि जैसे ही आप कृष्ण को हमारे अपने हाथ में उठाओगे, आपके जीवन पे जितने भी संघर्ष है, जितने भी कठिनाइयां हैं, जितने भी समस्याएं हैं, अपने आप सुलझ जाते हैं। अभी आप बोलेंगे हम कृष्ण को कैसे उठाएंगे। कृष्ण को आज के तारीख में उठाना मतलब क्या, अपना बीड़ बैग को उठाना, अपने माला हाथ में उठाओ और हरे कृष्ण मंत्र करो, तो इसका यही मतलब है कि आपने आप कृष्ण को उठा लिया। वसुदेव ने कृष्ण को स्वयं उठाया, हमको स्वयं उठाने को तो मौका नहीं मिल रहा है, लेकिन माला उठाने को हमें बहुत जरूर मौका मिलता है ना, और माला का वजन उतना ही है, कृष्ण का वजन उतना है, बस माला उठाइए अपने हाथ में। जैसे ही माला अपने हाथ में उठाएंगे आपकी सारी बेड़ियां खुल जाएंगी, आपके सारे बंद दरवाजे खुल जाएंगे, आपके जितने जो एनिमीज है या जो आपके शत्रु है वो सब सो जाएंगे, और आपको मार्ग मिलेगा आगे बढ़ने का। तो वसुदेव जी आगे निकल गए और कृष्ण को एक छोटे से टोकरी में उठा के कारागृह से बाहर निकल गए। जब बाहर पहुंचे धुआंधार बारिश हो रहा था, तो वसुदेव इस बारिश से गुजर रहे थे, उनको समझ में आ रहा कि कैसे कृष्ण को इस बारिश से बचाए। तो उस समय अनंत शेष जो हजार फणों वाले सांप है, इतने विशाल सांप जो है, वसुदेव के पीछे आ गए और छाता बन के खड़े हो गए और वसुदेव पीछे पीछे चल रहे, और कृष्ण और वसुदेव जो है यमुना नदी तक पहुंच जाते हैं। बताया जाता है कि यमुना नदी उस दिन इतना बारिश हो रहा था, इतना धुआंधार तूफान चल रहा था, यमुना का पानी बहुत ऊपर उड़ रहा था। तो वसुदेव को समझ में आया कि कैसे यमुना पार करे, लेकिन वसुदेव को इतना मालूम था यहाँ पे मैं तो कुछ करने रहा हूं, भगवान ही कर रहे, लेकिन तो और भी करने दो आगे, तो मैं तो चला। वो सीता यमुना नदी के अंदर घुस गए और चलने लगे, और पानी यहां तक पहुंच गया, और यमुना का जो पानी है और बढ़ रहा था। बताया जाता है जब भगवान निकलते हैं कारागृह से, सृष्टि का जो सारे जो चीजें हैं वो भगवान को टच करने की कोशिश करते हैं, स्पर्श करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे यमुना का नदी वो बहुत ही उतावली हो रही थी, क्योंकि उनको मालूम था कृष्ण मेरे नदी में बहुत लीलाएं करने वाले हैं, तो अभी अभी उनका जन्म हुआ है, अभी तो एक बार तो स्पर्श करना चाहिए। तो यमुना नदी उछल रही थी कृष्ण को स्पर्श करने के लिए, लेकिन वसुदेव जो उनको ऊपर उठा के चल रहे थे, कृष्ण तो थोड़े सर पे ऊपर थे, तो कृष्ण समझ गए कि यमुना को शांत करने के लिए एक ही तरीका है। उन्होंने क्या किया, अपने छोटे से पैर को उस टोकरी से बाहर लटका दिया, एक पैर को,
एक पैर अंदर ही था, एक पैर बाहर लटका दिया। और यमुना ने जैसे ही देखा कि कृष्ण का एक पैर लटक रहा है, यमुना बहुत ही तीव्रता से कूद गई और यमुना के पानी जो है कृष्ण के चरण स्पर्श किए, और जो कृष्ण के चरण को धोए हुआ जो पानी है चरणामृत, वो वापस यमुना नदी के ग्रुप में गिर गया। और जैसे ही वो पानी यमुना नदी में गिरा, पूरा यमुना जो है शांत हो गया और विभाजित हो गया और वसुदेव को चलने के लिए रास्ता मिल गया। इस तरीके से वसुदेव मथुरा से वृंदावन पहुंच जाते हैं। वृंदावन में यशोदा मई को मई ने उसी समय और एक बच्चे को जन्म देती है वहां पे, और उस बच्ची वो जो बच्ची है वो स्त्री बच्ची है। और यशोदा मई इतनी थकी हुई है बच्चे को जन्म देने के बाद कि वो सो गई, एकदम मूर्छित अवस्था में सो गई। तो वसुदेव नंद भवन में घुस जाते हैं, कोई नहीं है वहां पे, सब लोग सोए हुए हैं योग माया की शक्ति से। तो वसुदेव अंदर जाते हैं और कृष्ण को वहां पर रख देते हैं यशोदा मई के पास, और वो छोटी सी बच्ची को उठा के वापस मथुरा आ जाते हैं। कृष्ण वहां पे यशोदा मई के पास पहुंच जाते हैं और बहुत ही खुश सो जाते हैं, और ये छोटी सी बच्ची जो है वसुदेव के साथ वापस मथुरा पहुंच जाती है। और वापस जैसे मथुरा पहुंच जाती, दोनों पहुंच गए कारागृह के अंदर, बेड़िया बंद हो जाते हैं, दरवाजे बंद हो जाते हैं और सब लोग उड़ जाते हैं। और तुरंत बच्चे का आवाज सुन के, रोने का आवाज सुन के कंस को बुला के ले जाते हैं, और कंस को समझ में आ जाता है कि उसका तारणहार आठवां पुत्र जो है जन्म ले चुका है। भाग के आता है और पहला चीज उसको पता चलता है कि यहाँ पे पुत्र नहीं है, पुत्री है। उसको इतना बुरा लगता है, मुझे मारने वाला व्यक्ति एक छोटी सी बच्ची है। तो कंस को भी समझ नहीं आता है कि इससे मैं डरूं कि नहीं डरूं, पर फिर भी कंस को तो गुस्सा है तो उठाता है बच्ची को। तो देवकी इतना रो रही है, बोल रही है बच्ची से क्या डरना तुमको। कंस फिर भी उठा लेता है और बच्ची को पटकने ही वाला है, बच्ची जो है उसके हाथ से छूट के उड़ के चली जाती है और बहुत ही विशाल दुर्गा का रूप ले लेती है। और इतना भयंकर रूप, शेर पे बैठे हुए रूप लेके वो कंस को कहती है, हे कंस तुम बड़े मूर्ख हो, तुमको जो मारने वाला व्यक्ति है वो किधर और जन्म ले चुका है ऑलरेडी, आप मुझे मार के तुमको क्या मिलने वाला है। ऐसा बोल के वो अदृश्य हो जाती है। अभी कंस को समझ में आता नहीं आता कि क्या करे। ये जो कहानी है भागवत की, ये बहुत ही सुंदर कहानी है अगर हम हमारे जीवन से संबंध तुलना देखेंगे तो। कंस की तरह हम भी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन इतना डर से हम लोग व्यतीत कर रहे जीवन को। और वही जगह पे आप देखेंगे वसुदेव देवकी दोनों जो है, जिनको डरना चाहिए क्योंकि वो कारागृह में है, वो बिंदास है। कंस बाहर घूम रहा है लेकिन डरा हुआ है, वसुदेव देवकी कंस जेल के अंदर है लेकिन वो शांत है। ये है भक्ति का प्रभाव। जो व्यक्ति भक्ति करता है, भगवान की नाम लेता है और भगवान की सहारा लेता है, उस व्यक्ति को कोई भी अवस्था में डरने की जरूरत नहीं है। हम सब लोग आज इस जन्माष्टमी महामहोत्सव में आए हुए हैं, कहिए आज की तारीख हम अपने जीवन में एक छोटा सा प्रण लेते हैं कि भगवान को अपने जीवन का एक छोटा सा भाग बनाएंगे, हो सके तो रोज भगवान का नाम लेंगे। आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, एक 15-20 मिनट दिन में आप निकाला, आप सबके पास 24 घंटे है, समय तो सबके पास है, लेकिन उस समय में से सिर्फ 15 मिनट निकालना है और हरे कृष्ण महामंत्र करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सिर्फ इतना करने से 15 मिनट ये मंत्र का जप किया आपने हर दिन, आपके जीवन में कृष्ण का महसूस होगा। आपके जीवन में जरूर ऐसे ऐसे घटनाएं होंगी जिससे आपको कन्विंस हो जाएगा कि भगवान मेरे जीवन में है। और जैसे ही आप इस महामंत्र का सहारा लोगे, आप सही में देखोगे कि भगवान जो है आपके जीवन को नियंत्रण करते हैं, आपके जीवन को एक दिशा दिखाते हैं और आपके जीवन को एक सही आध्यात्मिक मार्ग में लेके जाते हैं। तो आइए जन्माष्टमी को सिर्फ सालाना एक दिन का त्योहार मत बनाइए,
उसको रोज अपने जीवन में जीने की कोशिश कीजिए। और सिर्फ ये एक साधारण सिंपल सा चीज है, हरे कृष्णा मंत्र रोज 15 मिनट करेंगे तो इस इतने ही छोटे से चीज से आपके जीवन में बहुत उन्नति और बहुत प्रगति होगा। हमारे इस चोड़न सेंटर में और अन्य कई सेंटर्स गोवा में है, जहां पे भी आपका घर है, जहां पे भी आपका निवास स्थान है, उसके पास में ही हमारा कोई ना कोई सेंटर होगा जहां पे हर हफ्ता प्रोग्राम होता है। वहां पे जाइए, गीता भागवत सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हम जो भाषा बोलते हैं बहुत ही साधारण भाषा बोलते हैं, कोई ऐसा हो ऊंचा लेवल का भाषा नहीं बोलते, बराबर संस्कृत संस्कृत नहीं, साधारण भाषा में बोलते हैं, इंग्लिश में, हिंदी में, मराठी में, कोंकणी में, अलग अलग जगह पे अलग अलग भाषाओं में प्रवचन होते हैं।